नाम है सर आपका? गिरजा शंकर वर्मा। कौन से पद पे हैं, क्या हैं? मैं यहाँ पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्थानीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के पद पर कार्यरत हूँ। आज शेरगढ़ में क्या योजना चल रही है? आज शेरगढ़ में विशेष रूप से हमारे यहाँ जो MIS अपडेशन का कार्य वो चल रहा है, और स्पेशली आज पॉलीथीन, जिसके लिए हम जनता से पूर्व में कई बार अपील भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कई बार हमें सब जो यहाँ पर सब जनपद के अंतर्गत समस्त निकायों में इसके लिए होर्डिंग्स, प्रचार प्रसार, बैनर कई बार लगवाए गए हैं, जनता को जागरूक भी किया गया, नुक्कड़ नाटक भी करवाए गए। इसके बावजूद भी हमारी जनता उसमें सहयोग नहीं कर रही है, दुकानदार सहयोग नहीं कर रहे। इसके सापेक्ष आज हम यहाँ पर मार्केट में पॉलीथीन बैन को लेकर छापे करेंगे, और जो भी इसमें पाया जाएगा उसको दंडित भी किया जाएगा। क्या क्या योजना चल रही है सरकार? इस वर्तमान में हमारे यहाँ एक चल रहा था 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छ बाट प्रतिस्पर्धा, जिसके अंतर्गत उसका रिजल्ट भी तैयार हो गया है। DM साहब द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसके द्वारा उनका निरीक्षण किया गया, उसके उपरांत उसकी सूचना शासन को प्रसिद्ध कर दी गई है। और इसमें जो भी हमारे बेस्ट वार्ड पाए जाएंगे उनमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए जिला स्तर पर 23 तारीख को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जब और अच्छे पाए जाएंगे जो भी, उन्हें स्टेट लेवल पर भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की भी तैयारी चल रही है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में मंडल में हमारी नगर पंचायत सेथल को प्रथम स्थान और नगर पंचायत विशारदगंज को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। और अब मेरा पूरा प्रयास है कि पिछली वर्ष हमें स्टेट पे कोई अच्छे स्थान प्राप्त नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हम अपने निकायों को एक अच्छे स्थान पर ले जाएंगे और कहीं ना कहीं स्टेट पर भी उनको सम्मान कराएंगे। ठीक है।